नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे अब जनरल टिकटों की बिक्री खुद नहीं करने वाला है। यानी जब आप टिकट लेने जाएंगे तो टिकट की बिक्री आउटसोर्स के जरिए यानी कि प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से होने वाली है। केंद्र सरकार भारतीय रेल में प्राइवेट ट्रेनों के संचालन के बाद अब लोकल टिकटों की बिक्री का काम निजी कर्मचारियों को सौंपने जा रही है, जिसके तहत ही पूर्वोत्तर रेलवे ने जंक्शन पर भी स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट रखने की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद ही अब खाली हो रहे पदों को सरेंडर कर अब रेलवे आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वाला है। साथ ही इसमें जनरल टिकटों की बिक्री भी शामिल है। ऐसे में ही अब जनरल टिकटों की बुकिंग के लिए जंक्शन पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट तैनात होंगे। जंक्शन के टिकट काउंटर भी अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तेज हो गई है। हॉल्ट और छोटे स्टेशनों की तरह जंक्शन पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट तैनात होने वाले हैं। रेलवे की तरफ से लागू की गई इस नई व्यवस्था में NSG यानी कि नॉन सब अर्बन ग्रुप 5 और नॉन सब अर्बन ग्रुप 6 के स्टेशन और जंक्शन शामिल होंगे। पूर्वोत्तर रेलवे में बोर्ड के फैसले को अमल में लाने की प्रक्रिया भी अब तेज है। वाराणसी मंडल प्रशासन ने NSG 5 और 6 श्रेणी के 31 स्टेशनों और जंक्शनों पर 41 STBA रखने का टेंडर जारी कर दिया है। इसी तरह लखनऊ मंडल प्रशासन ने भी NSG 5 श्रेणी के स्टेशनों पर STBA रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्टेशनों पर अब 3 साल के लिए STBA रखे जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार की माने तो यात्रियों को समय से अनारक्षित रेल टिकट की बिक्री के लिए NSG 5 और 6 श्रेणी के स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे यात्रियों को सहूलियत भी मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। इसको लेकर मानव संसाधन के नाम पर रेलवे के खर्चे में कटौती की बात भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के कुल खर्च का 67% मानव संसाधन पर जाता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की माने तो खर्चे में कमी लाने के लिए रेलवे प्रशासन कम काम करने वाले पदों पर तैनात कर्मियों को दूसरे कार्यस्थलों पर समायोजित करेगा और खाली हो रहे पदों को सरेंडर कर आवश्यक कार्य आउटसोर्स से पूरा करवाने का काम करवाया जाएगा। रेलवे बीते लंबे समय से यात्रियों की सहूलियत के लिए कई कदम उठा चुका है। रेलवे के इस नए कदम से अब उम्मीद है कि आने वाले समय में रेल यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।